एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वेतन अपडेट। वेतन अपडेट जानने से पहले मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन अवश्य दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि कोई वीडियो अपलोड करूँ शिक्षा विभाग से संबंधित है उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। सबसे पहले आप सभी शिक्षक साथियों को एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी मैं वेतन अपडेट देता हूँ तो जिस जिला का वेतन अपडेट देता हूँ तो वहाँ से संबंधित संघीय पदाधिकारी से बिना वार्ता किए हुए मैं नहीं देता हूँ। जैसे उस जिला का अपडेट मिलता है वैसे ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आइए चालू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं गोपालगंज जिला से वेतन अपडेट, क्योंकि गोपालगंज जिला से बीटू जी का बहुत कमेंट आ रहा है वेतन अपडेट के संबंध में। तो वेतन अपडेट गोपालगंज जिला से प्राप्त सूचना अनुसार शुक्रवार को 4 प्रखंड का भुगतान हुआ है और शेष आज 4 से 5 प्रखंड का भुगतान होने की संभावना है। कल तक सभी प्रखंड 14 प्रखंड का वेतन भुगतान पूरा कर दिया जाएगा, ये जानकारी कमलेश जी के द्वारा प्राप्त हुई है। वहीं नवादा जिला से प्राप्त सूचना अनुसार सितंबर माह का भुगतान पूर्व में ही हो चुका है और अक्टूबर माह का भुगतान आज एसएस मद वाले शिक्षकों का होने की प्रबल संभावना है, ये जानकारी श्री प्रसाद जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। आज वह चुनाव ड्यूटी में है उसके बावजूद भी आज उन्होंने ये अपडेट दिया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं सिवान जिला से प्राप्त सूचना अनुसार आज वेतन भुगतान होने की प्रबल संभावना है। वहीं भागलपुर जिला से प्राप्त सूचना अनुसार जियो भी एरियन में विलम्ब को देखते हुए आज पुनः संघीय सक्रिय साथी अनिल पटेल जी द्वारा फोन पर सहायक कोषागार पदाधिकारी से बात की गई। बात करने के क्रम में जानकारी प्राप्त हुई है कि उक्त मद के एरियर का सभी प्राप्त बिल पास कर दिया गया है, अभी से शाम तक किसी भी समय आरबीआई सिस्टम के खाते पर प्राप्त हो जाएगा। वहीं सीतामढ़ी जिला से प्राप्त सूचना अनुसार स्थापना लिपि के लापरवाही के कारण आज एसएसए मद से माह अक्टूबर का भुगतान नहीं हो सका, क्योंकि लिपिक द्वारा अब तक एसएस मद का विपत्र से संबंधित सॉफ्ट कॉपी बैंक को हस्तगत नहीं कराया गया है। इस संदर्भ में जब जिला अध्यक्ष प्रकाश जी के द्वारा स्थापना से संपर्क किया गया तो बताए कि हम परसौनी चुनाव कार्य में हैं और लिपिक भी चुनाव कार्य में है, अब कल ही वेतन भुगतान संभव हो पाएगा। वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह का अपडेट पाने के लिए।